नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप पहले से शांति बनाते हुए जिगड़ी वचनों का जो आनंद लेते आ रहे हैं, उसी प्रकार से लेते रहे। समय बहुत हो रहा है, सभी को अपने अपने घर भी जाना है। कई प्रोग्राम समापन की ओर है, 10 मिनट कमेटी की तरफ से है, तो मैं आपको सिर्फ एक गाना ही सुनाऊंगी समय को देखते हुए। भैया गुंडू जी, गाना भी क्या बहन जी, एक मिनट देखिए, हमारी कमेटी के लिए अभी अनुदान आया है। अभी हमारे शिव सिंह भाई साहब भी सुना करके गए हैं, लेकिन शाम का वक्त है, जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं गाना आप लोगों को सुनाने के लिए जा रही हूँ। भैया जी, गाना मेरा उस समय से है बाबा साहब की राजा मोरा ध्वज के दरवाजे पर दो साथ हो और साथ में एक भूखा शेर लेकर के आ जाते हैं। तीन वचनों में उनके इकलौते पुत्र उनके बेटे धीरे ध्वज को शेर के भोजन के लिए मांग लिया। जब इस बात का पता उनकी पत्नी रानी विद्या धनी को पता चला तो रोने लग जाती, कहने लग जाती कि महाराज, अरे इस संसार में ऐसी कौन सी माँ है जो कि जिस बच्चे को, जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा हो और उस पर कितना बड़ा किया हो, उसी बच्चे को अपने हाथों से चीर दे, ऐसा मैं तो अपने हाथों से नहीं कर सकती। जरा ध्यान से सुनिएगा गाने में, रानी विद्या धनी राजा मोरा ध्वज को समझा रही है किस प्रकार से क्या कह रही है, सुनेगा। अरे लाढ़िले के शीश पे, लाढ़िले के शीश पे, जुदा नहीं होने दूंगी, कहने लग जाती है। सुनिए आप नंबर पहली बात में क्या बता रहा हूं, लाल मेरा प्यारा आँख।
नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारे खानदान का चिराग केवल हमारा इकलौता पुत्र है, जिसको आप उन साधु संतों को वचनों में देना चाहते हो। दूसरी बात मैं कहने लग जाती है, रानी सुनिएगा क्या है। फसी मेरी नैया है, फसी मेरी नैया।